रिसेप्शन एरिया है और ये है वो क्यूआर कोड और इधर होते हैं इंटरव्यूज। तो हेलो गाइस, ये सामने हमारा कैफेटेरिया। तो एक कमेंट किया था भाई ने, तो मैं यहाँ पे कमेंट लगा देता हूँ। उन्होंने पूछा था अंडर ग्रेजुएट आर एलिजिबल और नॉट, तो मैंने कहा चलो डेफिनेटली इस कमेंट का आंसर देते हैं। तो हेलो गाइस, अभी आप लोगों ने एक कमेंट किया मुझे कि अंडर ग्रेजुएट कैन अप्लाई इन द एनर्जाइजर और नॉट, तो उसी का मैं आज आपको आंसर देने वाला हूँ। तो अभी मैं ऑफिस में हूँ, आपको ऑफिस के एनवायरनमेंट से पता लग रहा होगा। ये सामने हमारा कैफेटेरिया और यहाँ पर ये सारे इंटरनेशनल के बच्चे हैं यहाँ पर। और आज ना तो मैं आज आपको अपने कैफेटेरिया भी एक्सप्लोर कराता हूँ। देखो, एक कैफेटेरिया ये रहा यहाँ से इधर, और एक कैफेटेरिया अपना ये रहा यहाँ से इधर। अभी ना एक और दिखाता हूँ। और एक कैफेटेरिया ये रहा इधर यहाँ से ये पूरा इधर। तो यहाँ पर हमने अभी आपको दिखाया अपना कैफेटेरिया, तो बेसिकली अब मेरा टाइम हो रहा था घर जाने का। तो एक कमेंट किया था भाई ने, तो मैं यहाँ पे कमेंट लगा देता हूँ। उन्होंने पूछा था अंडर ग्रेजुएट आर एलिजिबल और नॉट, तो मैंने कहा चलो डेफिनेटली इस कमेंट का आंसर देते हैं, सो दैट मुझे भी एक टॉपिक मिल जाएगा और आपको भी आपका एक आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये है कुछ हमारा ऑफिस यहाँ का, ये सारा सिनेरियो। हाँ, सो अब मैं बताता हूँ अंडर ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो डेफिनेटली अंडर ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है, लेकिन मेक श्योर कि उसने ट्वेल्थ के पास वो परस्यूइंग कर रहा हो, इसने मतलब छोड़ा नहीं हो, अपने ट्वेल्थ के बाद स्टडी कंटिन्यू की हो, तो बिल्कुल वो अप्लाई कर सकता है। डिप्लोमा कर रहा हो तो भी अप्लाई कर सकता है, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, यानी कोई भी डिप्लोमा हो उसके साथ में भी आप अप्लाई कर सकते हो। आप फ्रेशर हो गए तो फ्रेशर की जो सैलरी रहती है वो 11,000, 12,000, 13,000 ऐसे भी हो सकती है, डिपेंड्स करेगा आपकी कम्युनिकेशन के ऊपर। तो हमने कहा मेरे पास टाइम है तो डेफिनेटली आपके लिए एक वीडियो बना दे। तो यहाँ पर आप मंडे टू सैटरडे आकर के इंटरव्यू दे सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे एड्रेस वगैरह सारी चीज़ें डाल दूंगा, तो आप इजीली आकर के अप्लाई कर सकते हो। जब आप इंटरव्यू देने के लिए आओ तो आप आधार कार्ड और अपना रिज्यूमे साथ में लेकर के आना। और यहाँ पे आई में आने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आपको एक बारकोड स्कैन करना पड़ता है। उस बारकोड के अंदर आपको अपनी सारी पर्सनल डिटेल और प्रोफेशनल डिटेल मेंशन करनी होती है, तो मेक श्योर कि आप वो डिटेल्स मेंशन कर देना क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद। और मैं आपको वो क्यूआर कोड भी दिखाता हूँ कहाँ से आप क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हो इजिली। मैं दिखाता हूँ, ये एरिया है वो एंट्री गेट है यहाँ पर, और यहीं पर होगा आपका क्यूआर कोड। ये रिसेप्शन एरिया है मेरे पीछे, ये रिसेप्शन एरिया है और ये है वो क्यूआर कोड और इधर होते हैं इंटरव्यूज, राइट। तो यहाँ पर आकर के आप इजीली इंटरव्यू दे सकते हो। अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट बोथ कैन अप्लाई।